भैया जय माता दी, जय माता दी। हम लाश को आज तक जितने भी लेके गए ब्रह्म में लेके गए, हम लाश को यहाँ देखेंगे कि भाई लाश का गला काट के, पूरा गला काट के नली नहीं उतारी जाती है। ये पागल बना रहे सभी लाइव आ जाए एक बार। मैं ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सरकार टैक्स लेती है। अरे कुत्तों, तुम बोलते हो कि मंदिरों में पैसा देते हैं, ये हॉस्पिटल है। हाँ पुलिस वालों को बुला लो, कोई बात नहीं है, बुला लो आप। सर आप पुलिस को बुला रहे हो के? हमको हमारा जवाब दे दो। ये भाई साहब है, ये कह रहे हैं कि ये हो गया, किसी की जिंदगी ले ली आपने गला काट के। ओ सरकार, किसी की जिंदगी ले ली, बात करो, बात करो इधर। किसी की जिंदगी ली आपने। कल तक 95 चल रहा था उसका, आज सुबह 97 चल रहा था, तो उसका गला काट के आपको नली लगाने की जरूरत क्या आ गई? वो सीधा खा रही थी, सब कुछ कर रही थी, तुमने गला काट के नली डाली अंदर, इजाजत भी नहीं ली, पूछा तक नहीं। कमलेश थोड़ा अंदर जा, मैं साफ कर दो फटाफट। लो चलो 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 चलो। जी हमने कोई चीज की नहीं है, हमने आगे को इच्छा है कि हमको जवाब दिया जाए। सही बात, हमने कोई चीज नहीं की है कि हमारा हॉस्पिटल का नुकसान कर गए और उनका आक्षेप मेरे पे लगा रहे हैं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। जो जवाब हमसे चाहिए वो गलत आरोप लगा रहे हैं। सब मिले हुए सब मिले हुए इंसान का सौदा करते, इंसान को मारते हैं। ऊपर जिसे लेवल चल रहा है, बिगड़ कुछ नहीं काम किया। आज तक मैंने यहाँ पे आने के बाद, उसके बाद मैं वहां भी जाऊंगा, जेके हॉस्पिटल में मैंने अपन लिया है 2 घंटा का। यहाँ पे आने के बाद दवाइयाँ सब मिला के हमने बिल लिया है करीबन 1.5 लाख का। ये सब मिला के चल रहा है, उसके बाद गला काट के हमारे पेशेंट को बिगर पूछे बिना सिग्नेचर करवाए आपने क्यों उसको वेंटिलेशन पर चढ़ाया? हमको ये जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। हमारे बिगर पूछे क्यों लिया? जब बच्ची का लेवल ऊपर नीचे चल रहा है तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको उसको वेंटिलेटर लेने के बाद? जब 95 चल रहा है, 97 चल रहा है, उन्होंने खुद ने बोला मुझे 95 चल रहा है। आप कौन हो? बच्ची के कौन? ये जो बच्ची मर गई उसके कौन? दादाजी दादाजी हो ना, उसका पिताजी है। मेरी बच्ची को मार दिया इन्होंने। सुबह मैं सही सलामत थी, सुबह चाय और नाश्ता दे के हूँ, 96 स्कोर चल रहा था, बिल्कुल सही साल। अभी नहीं जाने क्या बोले क्या हुआ, हमारे वेंटिलेटर में ले लिया बिगड़ चुकी, हमें साइन भी नहीं करवाए और बच्ची को मार के गला काट लो। मीडिया से ठीक है, ये मीडिया से है भैया, उनको आप बताओ क्या सिचुएशन है स्पेसिफिक हॉस्पिटल की, बताओ आप, बताओ दादाजी बताओ। करो जो ऊपर खड़े हैं उनको। अरे कितने प्याज के पैसे लेके आए हो, हाथ ऊपर करो। अरे कितने जनों ने खेत बेचे, हम आपसे बात करेंगे, शराब वसूल करेंगे, आपके साइन लेंगे, जब जाके हम आपको सूचित करेंगे। और आज दादा ने क्या हुआ, गले में वार किया, इसका मतलब वो बंदी हो रही है। सभी शेयर करें इस चीज को, सभी शेयर करें। अभी पुलिस आ रही है, मुझे ये पता हमको उठा के ले जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको झूठे मुकदमे में बंद भी करेगी, क्योंकि पैसे भी, और जो हॉस्पिटल है वो बड़े बड़े पैसों वाले हमको बंद भी करेगी। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंद हो जाएंगे, डंडे खा जाएंगे, लेकिन सत्य के खिलाफ लड़ेंगे,
सत्य के खिलाफ लड़ेंगे। इन छोटे छोटे बच्चों का जिम्मेदार कौन है? इन छोटे छोटे बच्चों का जिम्मेदार कौन है? हमको बिना पूछे उसको वेंटिलेशन पे क्यों चढ़ाया? हमको बिना पूछे वेंटिलेशन पे क्यों चढ़ाया? जब आपने बोला था कि आपको पूछ के सिग्नेचर करवा के वेंटिलेशन पे चढ़ाया, और पैसा आप अभी तो पुलिस वाले को फोन कर रहे थे, गर्दन काट दो मेरी भी। अरे वैसे ही दुनिया ही काट रहे।